टू के अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीटा की जो रेंज है वो माइनस वन और बिटवीन लाई करती है मतलब सीटा से बड़ा नहीं हो सकता ना ही माइनस वन से छोटा हो सकता है तो कॉसिटा की वैल्यू माइनस टू आपको कभी भी नहीं मिलेगी यानी कि इस पार्ट से तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने जा रहा है जब इस पार्ट से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मतलब जो भी सोल्यूशन आपको मिलेगा यू विल गेट फ्रॉम द इक्वेशन विच इज कॉस सीटा इज इक्वल टू वन बाई टू तो चलिए आगे मूव करते हैं तो theta is equal to of pi by से लिखा जा सकता है और given equation का जो है है वो होता अब जैसा कि आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि आपको पूछा गया है कि आपको केवल जीरो और टू पाई के बिटवीन के ही सोलूशन प्रोवाइड करने हैं तो अब, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एन की जगह जीरो सबमिट करता हूं अगर हम लोग एन की जगह जीरो सबमिट करते हैं तो थीटा की वैल्यू आ रही है जीरो प्लस माइनस पाई बाई तो नेगेटिव नंबर तो हम लोग ले नहीं सकते यानी कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है पाई बाई थ्री जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और अभी हम लोग क्या करें वी आर जस्ट पुटिंग एन इज इक्वल टू वन और जैसी मैं एन की जगह वन यहाँ पे सबमिट करता हूं तो थीटा हमारा जनरेट होगा थीटा इज योर दिस इज टू पाई प्लस पाई बाय थ्री या फिर टू पाई माइनस पाई बाय थ्री के अब ये जो नंबर है विच इज टू पाई प्लस पाई बाय थ्री इट इज ग्रेटर देन टू पाई अब जैसा कि आपको याद होगा कि आपको जो आंसर देने हैं वो टू पाई से छोटे भी होने चाहिए यानी कि द आंसर इज दिस दिस टर्म एंड विच इज इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बनता है फाइव पाई बाई थ्री के तो एक सॉल्यूशन आपके पास है फाइव पाई बाई थ्री और एक सॉल्यूशन आपके पास है पाई बाई थ्री के यानी कि गिवन इक्वेशन के अगर आप सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं अगर गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो इसका एक सॉल्यूशन होगा पाई बाई थ्री एंड द सेकेंड सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज फाइव पाई बाई थ्री एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन